छत्तीसगढ़ के इस गांव को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अनोखी सौगात मिली। जिस रोशनी की तलाश गांव वाले बीते न जाने कितने सालों से कर रहे थे, वो अब इनके घरों को हर रात रोशन करेगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का ये गांव आजादी के 76 साल बाद स्वतंत्रता दिवस के दिन रोशन हो उठा। इस गांव का नाम एल्मा गुंडा है। यहां की आबादी लगभग 500 निवासियों की है। दरअसल इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन 6 महीने पहले इस गांव में सीआरपीएफ कैंप खुलने के बाद जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों के संयुक्त प्रयास से इस गांव में बिजली पहुंचाने का काम पूरा हुआ। गांव में रोशनी आने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। नक्सलवाद निर्मूलन के लिए शासन की जो नीति है विश्वास विकास सुरक्षा, उसी के अंतर्गत सुकमा जिले के अंतर्गत अंदरूनी इलाके जहां नक्सलियों का प्रेजेंस था, वहां सुरक्षा कैंप एस्टेब्लिश किए गए हैं। इस सुरक्षा कैंपों को मंडवा नार योजना अंतर्गत विकास केंद्रों की तरह विकसित किया जा रहा है। इसी के पहल में एल्मागुंडा गांव में इस साल के फरवरी मंथ में सुरक्षा कैंप लगाया गया और वहां रोड का काम भी चालू हो गया। जैसे ही रोड का काम चालू हो गया, वहां बिजली का काम भी चालू हो गया, गांव का जो विकास का रास्ता है वो खुल गया है। रोशनी आने से बच्चे से पढ़ पाएंगे और नक्सलवाद छोड़ के समाज की जो मुख्य धारा है उसमें गांव के नागरिक है वो जुड़ पाएंगे। एल्मागुंडा ऐतिहासिक रूप से नक्सलियों की चपेट में रहा है, इसलिए विद्युतीकरण की ये उपलब्धि और भी उल्लेखनीय हो गई है।